तो भाई फाइनली स्मैकडाउन खत्म हो चुका। क्या हुआ बताते हैं। सबसे पहले स्मैकडाउन की स्टार्टिंग होती है जिमी और जे उसो के साथ, और वो लोग आके बोलते हैं कि तुम लोग ने क्या सोचा था कि रोमन इसके भी हारेंगे नहीं। तभी जे उसो बोलते हैं मैंने रोमन इसको पिन किया, और पॉल हेमन के बोलने से पहले ही हमारे ट्रैवल चीफ आके बोलते हैं कि तुम्हें मनना है ट्रैवल चीफ में तुम्हें एक्नॉलेज करता। फिर लोबलो लगा देते हैं, पर पीछे से जे उसो हमला कर देते हैं, पर रोमन रिंग्स और सोलो सिको मिलकर जे उसो को मारते हैं। सोलो सिको वो बाहर मार रहे थे, जे उसो को जिमी से इंजर्ड होते इसलिए वो आ नहीं सकते थे, और मार मार के स्मैकडाउन के शुरू में ही रोमन रिंग्स और सोलो सिको हुआ जिमी और जे उसो को इंजर्ड कर देते हैं। जिमी उसो को वहाँ से ले जाना पड़ता है। अगला मैच होता है ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस शेमस के बीच। ये मैच शुरू में तो बहुत स्लो फेस से स्टार्ट हुआ था, और फिर शेमस पकड़ने लगते हैं, शेमस ऊपर से कूद जाते हैं और अपना फिनिशर लगाने वाले होते हैं, पर ऑस्टिन थ्योरी हो जाते फिर उनको तो क्लोज नहीं लगाते हैं, और तभी ऑस्टिन थ्योरी की मदद करने आ जाते हैं, और आखिरी में ऑस्टिन थ्योरी अपना फिनिशर लगा कर जीत जाते हैं। फिर होता है ग्रेसन वॉलर का शो, जिसमें आज गेस्ट होते हैं एज, और एज आते संग ही चैलेंज कर देते हैं। फिर होता है एजे स्टाइल्स का मैच कैरियन क्रॉस के साथ, और एक फिनोमिनल फोरआर्म लगा के इजीली 2 मिनट में एजे स्टाइल्स जीत जाते हैं। और फिर होता है एज वर्सेस ग्रेसन वॉलर का मैच, जिसमें शुरू में तो ग्रेसन वॉलर को फोड़ के रख देते हैं रेटेड आर सुपरस्टार एज, बट मानने लगते हैं। फिर ग्रेसन वॉलर भी फाइट बैक करते हैं और एज को मारने लगते हैं, पर एज के ऊपर कूद जाते हैं रोप के ऊपर से, पर एज भी कूद जाते हैं उनके ऊपर टॉप रोप से, और एज उनको एक तो स्पीयर लगा देते हैं, और ये मैच इजीली जीत जाते हैं। और फिर ग्रेसन वॉलर फाइनली उन्होंने अपना पहला मैच हार गए अगेंस्ट एच, पर ग्रेसन वॉलर बहुत लकी कि उनका मेन इवेंट मिला उनको उनके पहले स्मैकडाउन में भी अगेंस्ट एज के साथ, और स्मैकडाउन का मेन इवेंट हो जाता है। पर तभी भी स्मैकडाउन खत्म होने 10 मिनट बचा रहता है, तो ट्राइबल चीफ को पॉल हेमन बोलते हैं कि जे उसो तुम्हें ढूंढ रहा है, तो फिर ट्राइबल चीफ बोलते हैं यहाँ पर रहने का जरूरत ही क्या, चलो रिंग में चलते हैं। और फिर जैसे ही आते हैं वो तभी इक्नॉलेज करने बोलते हैं ऑडियंस को, सब इक्नॉलेज करते हैं, और तभी जे उसो आ जाते हैं। रोमन रिंग्स बोलते हैं कि उस पर हमला कर देना चाहिए, पर जे उसो शील्ड की तरह आते हैं जैसे शील्ड एंट्रेंस करते थे, और आते संगी ट्राइबल चीफ को स्टील चेयर्स मार के भगा देते हैं, और यहाँ तक कि सोलो सिकाओ को तो बहुत ही स्टील चेयर्स मारते, कम से कम सोलो सिकाओ को पहले सुपर किक मारते हैं और फिर 10-15 स्टील चेयर मार के जे उसो सोलो सिकाओ को भी बहुत गंदा पेल देते हैं। फिर रोमन रिंग्स का चैंपियनशिप राइज अप करके चैलेंज कर देते हैं रोमन रिंग्स को समर स्लैम करके कि आओ रोमन रिंग्स और मुझसे फाइट करो। अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बाय।